अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या बात हुई भाई? हर बात हमसे करते हो, बात बात पे झगड़ते हो, पर अपना ये दुख नहीं बताया तुमने हमको। बताओ कैसे हो बेटा? बाबा, जब हम जानते कि आप हमारे साथ हैं, पूरा परिवार हमारे साथ है, अरे हमारी कुहू हमारे साथ है, तो फिर दुख किस बात का? दर्द हो रहा है? नहीं। जलन सा कुछ? जी नहीं। उठिए। जैसा बताया गया, आपके सर में दर्द होता है, नाक से खून आता है। जी। और क्या क्या होता है आपको? एक्चुअली हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक तेज दर्द के साथ साथ पल भर के लिए हमें धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देता है। पल भर के लिए दृष्टि कौनती है, स्पष्ट रूप से नहीं, पर इनको एमआरआई के लिए ले चलो तुरंत। डॉक्टर, ये क्या हुआ भाई? एमआरआई क्यों? क्या हुआ इनको? डॉक्टर साहब कुछ बताइए ना, क्या हुआ है? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, एक बार एमआरआई की रिपोर्ट आ जाए सब क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, भोले बाबा सब ठीक करेंगे। आप लोग सब ऐसे काहे खड़े हैं, चिंता काहे कर रहे हैं? सब अच्छा ही होगा, हम हैं ना साथ आपके। डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। डॉक्टर साहब, अरे कुछ बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमको? माने सब 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 ठीक है ना? कोने चिंता वाला बात तो नहीं है ना? हमको तो ये कौनो नया खतरे का संकट लग रहा है। जहर से बचा, दर्द से मरेगा, देख लेना। देखिए, ये जो हुआ है ऐसा लाखों करोड़ों में किसी एक के साथ होता है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी तकदीर वाले के साथ ऐसा होता है। बहुत भाग्यशाली है ये। भाग्यशाली माने? उस दुर्घटना में इनके सर पे चोट लगने के कारण इनकी आंखों की नस घायल हो गई थी, और नतीजा इन्हें दिखना बंद हो गया। लेकिन इस एमआरआई की रिपोर्ट से लगता है कि नर्व्स का घाव भरने लगा है, नसों में हरकत होने लगी है। साहब साहब बताइए ना डॉक्टर साहब। मतलब ये कि इनकी आंखों की घायल पुतलियों का प्रत्यारोपण अब हो सकता है, और साफ भाषा में कहूं तो इनकी आंखों की रोशनी अब वापस आ सकती है। जी, लेकिन प्रत्यारोपण के बाद बाबा। अरे तो करिए ना प्रत्यारोपण, करिए डॉक्टर साहब, बेफिक्र होकर प्रत्यारोपण तुरंत करिए।
जय भवानी, जय भोलेनाथ। ये मेरे जिंदगी की सबसे बेस्ट न्यूज है। और हमारी सबसे बुरी। राजी बाबू देख सकते हैं। हमारे राजी बाबू देख सकते हैं। कभी सोचा नहीं था आपने? नहीं सोचा था कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ होगा। राजीव बाबू को नया जिंदगी मिल रहा है, नया साल भी आने वाला है, तो नया साल में नया आंख से आप सब देख सकते हैं। अरे रे, क्या कर रही हैं आप इसे चंदेल? आंखें आ गई तो हमारा पूरा खेमा उखड़ जाएगा। नया साल सामत लेकर आएगा। अब दूत है, भोले बाबा के दूत है आप। उन्होंने आप पर संदेशा दिया। भोले बाबा की वजह से आपके हाथों राजी बाबू का आग ठीक होगा। तो भोले बाबा की तरफ से हमारे पूरे परिवार को नया साल का तोहफा है। और तो अब केवल 48 घंटा बाकी है नया साल आने में। देखिए ऐसे एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। सॉरी मुझे जाना पड़ेगा। टपरे पर खड़ा हूं और यहां तो दुश्मन की विजय हो गई। बाहर वट वृक्ष के नीचे कोनो देवी का मूर्ति है, हम दीप जला के आते हैं। हम तो डाल लिए थे कि हम आपके लिए निर्जला व्रत करेंगे और ऐसा तप करेंगे ना भोले बाबा के लिए कि भोले बाबा पिघल के आशीर्वाद दे देंगे। और भोले बाबा तो पहले ही अर्जी मंजूर कर दी, डॉक्टर के माफिक संदेशा भेज दी। नया साल मुबारक पहले से। हैप्पी न्यू ईयर। ये सब तेरे ही तप का फल है बेटा, तेरे तपोबल की वजह से सबके चेहरों पर रौनक है, सबकी आंखों में खुशी की नमी है। नया साल आएगा और क्या खूब आएगा, देख लेना, सब अच्छा होगा। ही हालत होने वाला है और नया साल में नया कटोरा खरीदना पड़ेगा। हट पीछे, जब देखो पीछे पड़ जाते हैं। पूरा हो, हटो ना, दफा हो जाओ। अब देखिए तो से नैना मिलाई गई दंगल प्ले पर टीवी से पहले।